गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले कहा था कि चार बेटा शब्द ध्यान रखना है, लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच। लैटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक, फ्रेंच में स्टैटिस्टिक, क्यू यू ई लगेगा। फादर हमारे लिए गॉटफ्राइड अकिनवाल को कहेंगे। 1749 में पहली बार इन्होंने काम में लिया था। दो वचनों में परिभाषा ध्यान रखनी है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अकॉर्डिंग बेटा हमारे लिए एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन करते हैं। बहुवचन में बेटा गणितीय समंकों के रूप में परिभाषित किया गया है। सांख्यिकी के उपयोग अर्थशास्त्र, व्यावसायिक प्रबंध और वाणिज्य तथा उद्योग में किया जाता है। तो तथ्यों के समूह जो अनेक कारणों से बेटा प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम लोग बेटा टेक्निकली यहाँ पर समंक कहते हैं। समंक बेटा हमारे लिए दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। ऐसे समंक जो आंकड़ों में व्यक्त किए जाते हैं उन्हें मात्रात्मक समंक, इसे गणितीय समंक, संख्यात्मक समंक, परिमाणात्मक समंक भी कहा जाता है। इन्हें चर भी कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, विखंडित चर और सतत चर। जिन्हें दशमलव में नहीं दिखाए जा सकते उन्हें विखंडित चर कहते हैं। जैसे बेटा हमारे लिए सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, अंशों की संख्या, वार्षिक आय, ये सब बेटा विखंडित चर होगा। सतत चर बेटा हमारे लिए जिन्हें दशमलव में दिखा सकते हैं, ऊंचाई, भार, आयु, विक्रय और लाभ। फिर गुणात्मक जिन्हें गुण तत्व के रूप में जैसे राष्ट्रीयता, आदत वगैरह, ये हमारे लिए गुण, लक्षण, विशेषता बताते हैं, इन्हें गुणात्मक समंक कहते हैं। फिर हमने संकलन भी पढ़ लिया था। संकलन की दृष्टि से दो तरह के समंक होते हैं बेटा, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वो जो अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित करता है उन्हें हम प्राथमिक समंक कहते हैं, और जो किसी और के यूज करते हैं उसे द्वितीयक समंक कहते हैं। द्वितीयक समंक को हम कोण डाटा भी कहते हैं, जैसे इंटरनेट से लिए गए डेटा, आरबीआई की रिपोर्ट से लिए गए डेटा, जनगणना की रिपोर्ट से लिए गए डेटा। प्राथमिक समंक की तीन विधियां हैं, साक्षात्कार विधि, डाक द्वारा प्रश्नावली विधि और अवलोकन विधि। साक्षात्कार विधि भी तीन प्रकार की है बेटा, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, टेलीफोन साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार बेटा प्राकृतिक आपदाओं में काम आते हैं। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार बेटा सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना में काम आता है। टेलीफोन साक्षात्कार में चार पॉइंट याद रखने हैं, ये कम खर्चीली है, अत्यधिक शीघ्र है, व्यापक क्षेत्र का समावेश करती है और गैर प्रत्युत्तर की संख्या इसमें अधिक होती है। डाक द्वारा प्रश्नावली में भी यही चारों पॉइंट याद रखने हैं। तो अगर इनके चारों के क्वेश्चन में बेटा इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिले तो उसको लगाना, दोनों ही मिले तो अत्यधिक शीघ्र में डाक द्वारा टेलीफोन को लगाना, बाकी कम खर्चीली, व्यापक क्षेत्र और गैर प्रत्युत्तर में आप डाक द्वारा को पहले टिक करना। अवलोकन विधि जिसमें आप किसी उपकरण की सहायता से समंकों को लेते हो उसे अवलोकन विधि कहते हैं। द्वितीयक समंक के बेटा चार मेन स्रोत हैं, अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी, निजी तथा अर्ध सरकारी विभिन्न शोध संस्थाएं। इसमें महत्वपूर्ण स्रोत बेटा अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी स्रोत है। फिर हमने पढ़ा था संकलित समंकों की शुद्धता की जाँच की जाती है। शुद्धता की जाँच करने के लिए अनेक संबद्ध श्रेणियां काम में लेते हैं, उनकी हम लोग गहन जाँच करते हैं। अब आता है बेटा हमारे लिए वर्गीकरण। बेसिकली बेटा वर्गीकरण का मतलब होता है जो समंक आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना। तो अगर आप इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित करते हो तो उस प्रक्रिया को बेटा हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण चार प्रकार का होता है। एक होता है बेटा हमारे लिए भौगोलिक आधार पर, एक होता है बेटा हमारे लिए समयानुसार, एक होता है गुणात्मक वर्गीकरण और एक होता है मात्रात्मक वर्गीकरण। याद रखना वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है बेटा हमारे लिए, चार प्रकार का। कौन कौन सा? भौगोलिक आधार पर, समयानुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। भौगोलिक आधार पर बेटा जब भी आप समंकों को किसी स्थान के आधार पर विभाजित करते हैं, किसके आधार पर बेटा? स्थान के आधार पर, तो उसे भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मैं राजस्थान की जनसंख्या अलग अलग शहरों के हिसाब से बताऊं, जयपुर में इतना था, अजमेर में इतनी पॉपुलेशन है, भिलवाड़ा में इतनी पॉपुलेशन है, तो स्थान के आधार पर मेरी जनसंख्या को मैंने भागों में बांटा। तो जब भी आप लोग किसी भूभाग के आधार पर बांटते हो तो इसे हम लोग भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। समय अनुसार वर्गीकरण बेटा जब भी आप समय के अनुसार समंकों को बांटते हो तो उसे समयानुसार बेटा हम लोग यहाँ पर वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मैं ये बताऊं कि भिलवाड़ा की जनसंख्या 1991 में इतनी थी, 2001 में इतनी थी, 2011 में इतनी थी, यहाँ मैंने मेरी जनसंख्या को किसी समय के हिसाब से बांटा है, वो समय ईयर, मंथ, डेज कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो वर्गीकरण हमारे लिए बनेगा उसे हम लोग समयानुसार वर्गीकरण कहेंगे।
फिर आता है बेटा हमारे लिए गुणात्मक वर्गीकरण, जो गुण या विशेषता को व्यक्त करता है उसे हम लोग गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मैं ये दिखाऊं कि भिलवाड़ा में बेटा हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ये उनके धर्म को बता रहा है। ये कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं, ये उनकी गुण है, विशेषता है, ये वर्गीकरण गुणात्मक कहलाएगा। और मात्रात्मक वर्गीकरण, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी क्लासरूम में बेटा 50% से 60% लाने वाले कितने हैं, 60% से 70% लाने वाले कितने हैं, 70 से 80 लाने वाले कितने हैं, 80 से 100% लाने वाले कितने, 80 से 90% लाने वाले कितने हैं, और 90 से 100% लाने वाले कितने जने हैं। यहाँ जो मेरे लिए वर्गीकरण बनकर आएगा ना बेटा, ये मात्राओं के आधार पर, कुछ संख्याओं के आधार पर मैंने यहाँ पर बांटा है। तो वर्गीकरण चार तरह का होता है। हमारे मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है इसका, वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना, वर्गीकरण चार प्रकार का होता है, भौगोलिक आधार पर, समयानुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। जब किसी स्थान के आधार पर बांटते हो ना, तो उसे हम लोग भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं, इसे स्पाशियल वर्गीकरण भी कहते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं, स्पाशियल। तो आपको स्पाशियल वर्गीकरण भी लिखा हो सकता है। इसको समयानुसार को बेटा टेम्पोरल वर्गीकरण भी कहते हैं। गुणात्मक को बेटा हमारे लिए ऑर्डिनल वर्गीकरण भी कहते हैं, और मात्रात्मक को बेटा हम लोग कार्डिनल वर्गीकरण भी कहते हैं। वैसे तो अपने तो हिंदी में ही ध्यान रखना है मेन। तो चार तरह का वर्गीकरण होता है, भौगोलिक वर्गीकरण, समयानुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। जब आप किसी भूभाग के स्थान या भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांटते हो तो भौगोलिक वर्गीकरण है। जब किसी समय के आधार पर बांटोगे, अवधि के हिसाब से, तो बेटा वो समानुसार वर्गीकरण है। जब किसी गुण विशेषता के आधार पर बांटोगे तो गुणात्मक वर्गीकरण है। और जिस जब किसी आप लोग बेटा ना मात्रा के हिसाब से बांटोगे तो उसे हम लोग मात्रात्मक वर्गीकरण कहेंगे। वर्ग बनाते वक्त जब आप वर्गीकरण कर रहे हो ना, जैसे मेरी क्लासरूम में 100 स्टूडेंट थे, उन 100 स्टूडेंट को मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट रहा हूँ इन इन परसेंटेज के हिसाब से। तो दो नियम में ध्यान रखने हैं। ये वर्ग संपूर्ण होने चाहिए। सर, संपूर्ण होने का मतलब क्या होता है? संपूर्ण होने का मतलब कि 100 के 100 ही विद्यार्थी किसी न किसी क्लास में आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्लास में एक बच्चा था जिसके 40-42% बने थे और उसको हमने शामिल ही नहीं किया, तो इन विद्यार्थियों का योग 100 ना आकर 99 ही आएगा ना, तो ये गलत होगा बेटा। वर्ग संपूर्ण बनने चाहिए, जितने जने हैं ना वो सब किसी न किसी वर्ग में आ जाने चाहिए, और वर्ग पूर्ण रूप से बेटा ना परिभाषित होने चाहिए। परिभाषित होने का मतलब क्या होता है? ये पता हो कि 60% वाला इसमें लेना है या अगले वाले में लेना है, 70% वाला इसमें लेना है या अगले वाले में, या यूं कह दो 50-60 में 50 से लेकर 60 वाले लेने। गलती से भी 65 वाला इसमें मत ले लो। अगर 65 वाला इसमें ले लोगे तो आपका अनुसंधान पूरी तरीके से गलत आ जाएगा। तो जब आप वर्गीकरण करते हो तो वर्गीकरण करते वक्त दो मेन नियम लेते हैं बेटा। एक, वर्ग संपूर्ण होने चाहिए। संपूर्ण का मतलब जितने जने हैं जिनको आप वर्गों में बांट रहे हो, सारे के सारे किसी न किसी वर्ग में आ जाने चाहिए। और वर्ग हमारे लिए बेटा असंदिग्ध रूप से परिभाषित होने चाहिए। सर, असंदिग्ध रूप से परिभाषित होने का मतलब जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारे लिए किसी न किसी वर्ग में जरूर आ जानी चाहिए। ये हमारे लिए वर्ग बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण नियम होते हैं। यह आपका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण, समंकों को छोटे छोटे भागों में बांटना, अलग अलग चीजों में विभाजित करना, उसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण चार प्रकार का होता है। हमारे मॉड्यूल में तो एक ही इकलौता क्वेश्चन है, वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? सर, वर्गीकरण चार प्रकार का होता है, भौगोलिक आधार पर, समयानुसार, गुणात्मक और मात्रात्मक। ये चार तरह का वर्गीकरण बेटा हमारे लिए काम में लिया जाता है। जब स्थान के आधार पर बांटते हैं तो भौगोलिक है, समय के हिसाब से बांटते हैं तो समयानुसार है, कोई गुण दिखाते तो गुणात्मक है, और जब कोई मात्रा दिखाते हैं उसे हम लोग बेटा मात्रात्मक वर्गीकरण यहाँ पर बोलते हैं। जब आप वर्गीकरण कर लेते हो तो बेटा हमारे लिए एक अगली स्टेप आती है जिसे हम लोग प्रस्तुतिकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? प्रस्तुतिकरण हम लोग उसको बोलेंगे। बेसिकली प्रस्तुतिकरण बेटा, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है जो समंग आपने इकट्ठे किए हैं, संकलन करा, उन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया, उन्हें किसी अच्छे रूप में दिखाया जाए। उस ऐसे रूप में बेटा इनको दिखाया जाए कि इनसे कुछ भी आंसर तक पहुंचना, इनको समझना हमारे लिए आसान हो जाए, उस प्रक्रिया को बेटा हम लोग प्रस्तुतिकरण कहते हैं। समंकों को प्रस्तुत करने के 3 विधियां होती है। प्रस्तुतिकरण की कितनी विधियां होती है बेटा? 3। दिखाने की, कैसे दिखाया जाए, एक को कहते हैं पाठ्यक्रमानुसार, एक को कहते हैं सारणीयन अनुसार, और एक को कहते हैं चित्रमय प्रस्तुतिकरण। चलो जवाब दो, प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार का होता है? सर, 3 प्रकार का, पाठ्यक्रमानुसार, सारणीयन और चित्रमय। पाठ्यक्रमानुसार, सारणीयन और चित्रमय। जब भी आप समंकों को
पैराग्राफ के रूप में दिखाते हो, पैराग्राफ जैसे इंग्लिश में आता है ना अनसीन पैसेज वगैरह, पैराग्राफ को हम लोग यहाँ अनुच्छेद भी कह सकते हैं। तो जब आप समको को अनुच्छेद में व्यक्त करते हो, डिटेल से पैराग्राफ है उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, उस प्रक्रिया को बेटा हम लोग पाठ्यक्रमानुसार वर्गीकरण कहते हैं, क्योंकि ये कोई खास इंपोर्टेंस नहीं रखता है। क्योंकि आपने देखा ना इंग्लिश में भी एक अनसीन पैसेज आपका अगर आ जाए तो उसको पढ़ना ही बहुत जटिल सा लगता है कि यार कौन पढ़े कौन आंसर निकाले, इसलिए कोई प्रस्तुतिकरण का बहुत अच्छा वे नहीं माना जाता है। इसलिए इसका ना तो कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में है, ना ही कोई क्वेश्चन बेटा अब तक एग्जाम में आया हुआ है। सिंपल सा याद रखना है, जब इस समंको को पैराग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस प्रस्तुतिकरण को हम लोग पाठ्यक्रमानुसार वर्गीकरण कहते हैं। अतः सारणीय, आज हम लोग यह सारणियन को लेकर खत्म करेंगे, कल चित्रमयी को लेकर इस प्रस्तुतिकरण को पूरा ही फिनिश करेंगे। कंटेंट यह है, जब भी आप समंको को खानों व पंक्तियों के रूप में व्यक्त करें, किसमें व्यक्त करें बेटा, खानों व पंक्तियों के रूप में, तो उस प्रस्तुतिकरण को सारणियन प्रस्तुतिकरण कहते हैं। खाने व पंक्तियां कैसे, ऐसा कभी देखा है बेटा आपने, टेबल बनता है आपका, मार्कशीट हो गया जैसे रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट एक सारणियन प्रस्तुतिकरण है। यहाँ कुछ खाने होती हैं, खाने का मतलब बेटा ये जो बने हुए हैं ये तो है खाने, कॉलम इनको कहते हैं, ये जो है बेटा वो हमारे लिए पंक्तियां कहलाती है। जब भी हम समंको को खानों व पंक्तियों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को बेटा हम लोग सारणियन प्रस्तुतिकरण कहते हैं। एक सारणी के पांच भाग होते हैं, ये आपको याद होता है, एक सारणी के कितने भाग होते हैं बेटा, पांच। शीर्षक, हर एक के क्वेश्चन है वह ध्यान रखना, उपशीर्षक, बॉक्स हेड, मुख्य भाग और फुटनोट। चलो याद करो हर एक के क्वेश्चन बेटा, एक सारणी के कितने भाग होते हैं, तो सर पांच भाग होते हैं, इसको कहते हैं शीर्षक, उपशीर्षक, बॉक्स हेड, मुख्य भाग, फुटनोट। बोलो कौन कौन से, शीर्षक, उपशीर्षक, बॉक्स हेड, मुख्य भाग और फुटनोट। शीर्षक क्या होता है वो समझो, सारणी का वह ऊपरी भाग जो खानों व उपखानों को व्यक्त करे, सारणी का वह ऊपरी भाग, जैसे ना यहाँ लिखा होता है ना बेटा, यहाँ फेरली के मार्क्स हैं, ये एयरली के मार्क्स हैं, ये टोटल है, ये वो ऊपरी भाग है ना जो खानों को व्यक्त कर रहा है, कि ये वाला कॉलम हाफेली के मार्क्स को व्यक्त करता है, ये वाला कॉलम ईयरली को, ये वाला कॉलम बेटा टोटल मार्क्स को व्यक्त करता है, उपखानों को व्यक्त कर, उपखाने कभी इनके भी भाग करने पड़ते हैं। जैसे ये हाफेली में बेटा दो एग्जाम थे, प्रैक्टिकल अलग था, थ्योरिटिकल अलग था, फिर उसका टोटल, तो कहा यही जाता है, टिकी यही लगाना, ऑप्शन यही मिलेगा, सारणी का वह ऊपरी भाग जो खानों व उपखानों को व्यक्त करे उसे शीर्षक कहते हैं, और सारणी का वह बाया भाग, ये सारणी का बाया भाग जो पंक्तियों को व्यक्त करे, ये पंक्ति इंग्लिश के मार्क्स की है, ये साइंस के मार्क्स की है, ये हिंदी के मार्क्स की है, ये दो पॉइंट बेटा, सारणी का वह ऊपरी भाग जो खानों व उपखानों को व्यक्त करे उसे शीर्षक कहते हैं, सारणी का वह बाया भाग जो बेटा हमारे लिए पंक्तियों को व्यक्त करे बेटा हम लोग उसे उपशीर्षक कहते हैं, और सारणी का सबसे ऊपरी भाग, इससे भी ऊपर, यहाँ पर बेटा डिटेल होती है, स्कूल का नेम, आपका नेम, फादर नेम वगैरह, ये सारी, इस हिस्से को कहते हैं बॉक्स हेड। तो क्वेश्चन ये होता है, सारणी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, सर बॉक्स हेड कहलाता है, और सारणी का वो ऊपरी भाग जो खानों वो उपखानों को व्यक्त करे बेटा उसे हम लोग शीर्षक कहते हैं। सारणी का सबसे ऊपरी भाग ये बॉक्स हेड कहलाता है, और सारणी का वो ऊपरी भाग जो खानों वो उपखानों को व्यक्त करे उससे बेटा हम लोग यहाँ पर शीर्षक कहते हैं। वही एक पॉइंट आता है कि समंको की यूनिट, यूनिट कहते हैं बेटा इकाई को, क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कि समंको की यूनिट बोले तो इकाई कहाँ प्रदर्शित होती है, तो समंको की यूनिट बेटा ना हमारे लिए बॉक्स हेड में व्यक्त होती है। सर यूनिट का मतलब, जैसे मान लो ये कोई टेबल थी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, और मेरे को यहाँ पर मान लो 1 लाख करोड़ भरना होता, 1 लाख करोड़ तो कैसे भरू, तो मैंने यहाँ क्या लिख दू, एक, और ऊपर इकाई लिख दू लाख करोड़, तो जो भी पढ़ने वाला होगा वो पढ़ने वाला है इस टेबल को, 1 रुपए पड़ेगा या 1 लाख करोड़ पड़ेगा, सर 1 लाख करोड़ पड़ेगा, ये इकाई कहाँ दिखानी चाहिए, नीचे नीचे या ऊपर ऊपर, सर ऊपर ही ऊपर, ताकि पढ़ते वक्त ही ध्यान रहे कि डिजिट 1 रुपए नहीं है, 1 लाख करोड़ हमारे लिए। तो हम लोग ना बेटा सारणी का वह ऊपरी भाग जहाँ खानों व उपखानों को व्यक्त करे उसे शीर्षक कहते हैं, सारणी का वह बाया भाग बेटा जो पंक्तियों को व्यक्त करे उससे हम लोग, सारणी का सबसे पहला तो अपने कहा था ऊपरी भाग जो खानों उपखानों को व्यक्त करे उसे शीर्षक कहते हैं, बाया भाग जो पंक्तियों को व्यक्त करे बेटा उसे उपशीर्षक कहते हैं,
फिर हमने कहा है बेटा सबसे ऊपरी भाग को हम लोग बॉक्सेड कहते हैं, समंको की इकाई को बॉक्सेड में दिखाया जाता है। ये वो हिस्सा होता है ना, ये वो हिस्सा होता है बेटा जहां आप लोगों के मार्क्स दिखाए जाते हैं, इस हिस्से को जहां पर समंक दिखाए जाते हैं। ये टेबल बनाई क्यों जा रही है, ताकि आपको आपके मार्क्स प्रदर्शित किए जाए। यही तो वो मेन हिस्सा है जिसके लिए आप टेबल बना रहे हो, आपके मार्क्स दिखाने के लिए। इस हिस्से को कहते हैं मुख्य भाग, सारणी का वह भाग जहां समंकों को प्रदर्शित किया जाता है। वो लोग इसको प्रदर्शित करते हैं समंकों को, उसे हम लोग मुख्य भाग कहते हैं। और आखिरी पांचवा भाग, सारणी का वह भाग जहां समंकों के स्रोत को दिखाया जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। समंकों का क्या दिखाया जाए बेटा, स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है, अगर ये हमारे द्वितीयक समंक रहे हो, द्वितीयक समंक का मतलब हमने खुद इकट्ठे किए या किसी और के लिए, किसी और के लिए। कहां से ये समंक मैंने लिए टेबल बनाते वक्त, उसकी डिटेल मेरे को यहाँ स्रोत में दिखानी चाहिए। मान लीजिए मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक टेबल बनाने को आपको कहा, और आपने क्या करा कि टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन में से इस तरह के डेटा उठाकर एक टेबल बनाकर लिया है, तो आप नीचे एक स्रोत लिखोगे, फुटनोट कहते हैं इसको, नीचे लिखते ना इसलिए फुटनोट कहते हैं, कि ये समंक बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया के इस महीने की इस पेज नंबर से हम लोगों ने उठाए हैं, इसे कहते हैं फुटनोट। चलो आंसर को, सारणी के कितने भाग होते हैं सर, पांच भाग होते हैं, शीर्षक, उपशीर्षक, मुख्य बॉक्साइड, मुख्य भाग और फुटनोट। सारणी का वह ऊपरी भाग जो खानों व उपखानों को व्यक्त करे उसे शीर्षक कहते हैं, सारणी का वह बाया भाग जो पंक्तियों को व्यक्त करे बेटा उसे उपशीर्षक कहते हैं, सारणी का सबसे ऊपरी भाग बेटा बॉक्साइड कहलाता है, समंकों की इकाइयों को हम लोग बॉक्साइड में ही प्रदर्शित करते हैं, सारणी का वह भाग जहाँ बेटा हम समंकों को दिखाते हैं उसे मुख्य भाग कहते हैं, स्रोत को बेटा हम लोग फुटनोट में दिखाते हैं। इसके अलावा सात पॉइंट आपको अलग से और याद रखने, वो समझ लो। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि प्रस्तुतिकरण का, ध्यान से ना, सबसे सही या सबसे सर्वोत्तम प्रस्तुतिकरण किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना सबसे सही और सबसे सर्वोत्तम सारणीयन प्रस्तुतिकरण को माना जाता है। पर क्वेश्चन कहे कि आकर्षक प्रस्तुतिकरण कौन सा है, अभी हम कल पढ़ेंगे। आकर्षक बेटा हमारे लिए चित्रमय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। क्वेश्चन कहे कि सबसे सही और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकरण कौन सा होता है, तो सारणीय टिक लगाना। क्वेश्चन पूछे आकर्षक कौन सा होता है, तो चित्रमय, देखने में अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। क्वेश्चन अगर कहे कि विवरण देना किसमें संभव है सारणीयन और चित्रमय में से, तो विवरण देना बेटा हमारे लिए सारणीयन प्रस्तुतिकरण में संभव है। विवरण का मतलब चाहो जितनी डिटेल दे सकते हो, और कॉलम बना दो, और सब कॉलम बना दो, ग्राफ चित्र वगैरह बनाओगे ना तो उसमें विवरण नहीं दे सकते, मगर यहाँ पर दो चरों में तुलना करना संभव होता है। ये हम कल पढ़ेंगे, बोले ये याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। तीन बातें, एक तो सबसे सही विधि है, सबसे सर्वोत्तम विधि है, इसमें विवरण देना संभव है। एक सारणी के दो प्रकार होते हैं। क्वेश्चन पूछे कि सारणी के भाग कितने होते हैं, तो पांच टिक लगाना। क्वेश्चन पूछे सारणी के प्रकार कितने होते हैं बेटा, तो दो प्रकार की सारणी होती है, एक को कहते हैं साधारण और एक को कहते हैं मिश्रित। साधारण तो वो जिसमें एक ही चीज दिखाए, मिश्रित वो जिसमें बहुत सारी चीजें दिखाएं। एक ही चीज का मतलब मैंने एक सिंपल सी टेबल बनाई, मेरे बीकॉम में इतने बच्चे हैं, बीएससी में इतने बच्चे हैं, बिजनेस ए बीए में इतने बच्चे हैं, तो ये एक साधारण सारणी है। लेकिन अगर मैं इनके और डिटेल दिखूं, इनमें से गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है, गांव में कितने रहते हैं, शहरों में कितने रहते हैं, तो फिर बेटा वो साधारण सारणी ना होकर मिश्रित सारणी हो जाती है। फिर फाइनली तीन पॉइंट ध्यान रखना है, इस सारणी का उपयोग ना बेटा तीन जगह होता है। एक चित्रमय प्रस्तुतिकरण के लिए, सर मतलब बेटा आपने आपकी जिंदगी में कभी ग्राफ बनाया है, कोई भी दंड चित्र, रेखा चित्र वगैरह आपने एक जज करा होगा, उन चित्र को तभी बना पाते हो जब क्वेश्चन आपका टेबल में दे रखा हो। तो चित्रमय प्रस्तुतिकरण तभी हो सकता है जब आपकी टेबल हो, टेबल नहीं है तो फिर चित्र बन नहीं सकता। साथ ही में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए, विश्लेषण का मतलब आपने कभी जिंदगी में माध्यमिका बहुलक निकाला हो तो याद है माध्यमिका बहुलक के लिए भी टेबल बनाते थे, एक्स इतना है, फ्रिक्वेंसी इतना है, फिर ये वो सब कुछ निकाला, तो एक टेबल ही तो बनती थी हमारे लिए। तो विश्लेषण भी तक पैराग्राफ के मीन मोड मीडिया नहीं निकल सकते बेटा, आपको पहले टेबल बनानी पड़ती है, उसके बाद आप विश्लेषण कर सकते हो। और एक बेटा जटिल समंकों के लिए, सर ये जटिल समंक क्या है वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी सिर्फ याद रख लें। बोलो एक सारणी के कितने भाग, कितने कितनी जगह काम आता है, सर तीन जगह, चित्रमय प्रस्तुतिकरण के लिए, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए, और जटिल समंकों के लिए बेटा हम लोगों को सारणीयन प्रस्तुतिकरण काम में लेना पड़ता है। यह आपका सारणीयन। चलो एक बार मेरे पास फटाफट से रिवाइज कर लो, हमने आज क्या क्या देखा है, पहले वर्गीकरण, एक ही दिन की थ्योरी और बची, फिर प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी आ जाएगी, बस अभी स्टेट्स में कोई थ्योरी नहीं है।
है, मगर वो प्रैक्टिकल बेस है, ये कंटेंट वाइज थी बस कि आपको याद रखना था। वर्गीकरण 4 प्रकार का है, भौगोलिक, समय अनुसार, गुणात्मक और मात्रात्मक। दो चीजें याद रखनी चाहिए वर्ग बनाते वक्त, पूर्ण होनी चाहिए और असंदिग्ध रूप से परिभाषित होनी चाहिए, मतलब कि इसमें 50 से 60 वाली आएंगी, इसमें 60 से 70 वाली आएंगी। समूहों के प्रस्तुतिकरण की 3 विधियां है, पाठ्यक्रमानुसार, सारणीयन और चित्रमय। जब आप पैराग्राफ में दिखाओ तो बेटा पाठ्यक्रमानुसार कहते हैं, पैराग्राफ के हिंदी में आप अनुच्छेद कह सकते हैं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर आता है सारणीयन, खानों व पंक्तियों का व्यक्त करते हैं तो सारणीयन कहलाता है। सारणीयन के 5 भाग है, शीर्षक, उपशीर्षक, बुकसेट, मुख्य भाग और फुटनोट। खानों को व्यक्त करने वाला ऊपरी भाग शीर्षक कहलाता है। सारणी का वह बाया भाग जो पंक्तियों को व्यक्त करे बेटा उपशीर्षक कहलाता है। सारणी का सबसे ऊपरी भाग बेटा बॉक्सहेड कहलाता है। समंको की इकाई को बॉक्सहेड में दिखाया जाता है। मुख्य समंको की इकाई को बॉक्सहेड में दिखाया जाता है। मुख्य समंको को मुख्य भाग में दिखाते हैं और बेटा हमारे लिए स्रोत को फुटनोट में दिखाते हैं। सारणीयन बेटा सबसे सही विधि है, सबसे सर्वोत्तम विधि है, इसमें विवरण देना संभव होता है। सारणी 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं साधारण और एक को मिश्रित। एक सारणी के 3 जगह काम ली जाती है बेटा, एक तो चित्र में प्रस्तुतिकरण के लिए, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए और एक जटिल समूहों के लिए। पढ़ना, ये याद करना, यहाँ तक मैंने आपको आज पढ़ा दिया है। सारणीयन तक का कंटेंट सारा सब लिखा हुआ मिलेगा। आखिरी आपको बेटा एक पेज और पढ़ना है जो कल हम लोग पढ़कर खत्म करेंगे, ताकि आपका थ्योरी बेस यहाँ पर खत्म हो जाए और उसके क्वेश्चंस भी कल ही हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक पढ़कर बेटा अच्छे से याद कर लीजिएगा।